हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ अली और आज की वीडियो दोस्तों हमारी, क्या आपके पास जो 12 इंची की आ रही है या 12 इंची की बैंड से मशीन है, और अगर हम चूल चीर रहे हैं तो उसकी जो आ रही है वो एक तक को भाग जा रही है और चूल हमारी है सेंटर में नहीं आ रही है। ऐसे मानो जैसे हमारी ये यहाँ पर कुसुमा रखा, हमने सेट से कुसुमा रखा, मतलब आपकी जो आ रही है कुसु भी नहीं चल रही है। तो आज की वीडियो हम बताने वाले हैं उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं और कैसे जो बारी भाग रही है उसको बिल्कुल सही सेंटर में चलाएं। और वीडियो शुरू करने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें आरे के अंदर ये देखना होता है कि हमारी जो आरे के दाँतें हैं वो एकदम इकसार होनी चाहिए, ठीक है, एकदम इकसार होनी चाहिए आरे दाँतें। और दूसरी बात यह है जो आरे के अंदर जिसको बेल बोलते हैं, जिसका दांत एक इधर को जाता है और एक इधर को जाता है, उसको हम बेल बोलते हैं। आपको वो सबसे पहले देखना कि आपके जो बेल जो है वो एकदम इकसार होनी चाहिए, और इकसार है तो उसके बाद फिर ही भाग रही है। तो आपको ये ध्यान देना कि आपके अगर ये गुटका है, जैसे मानो ये 4 इंच का गुटका है, हमने आ रहे यहाँ पर कुसु लगा हुआ है, देखो आप देख सकते हैं कुसु लगा हुआ है और ये नीचे भी कुसु में आ रही है तो ठीक है, और जैसे यहाँ से कुसु में चली आ रही और पीछे कुसु में नहीं आ रही है तो आपकी जो आ रही है वो थोड़ा सेंटर से जो है वो गलत चल रही है। आपको ये देखना फंटी लगा के जो आपका ये वाला बिल है और ये नीचे वाला जो बिल होता है, नीचे वाला ये वाला बिल वो फंटी में है या फंटी से आउट है। तो उसको फंटी से अगर आउट है तो उसको सेंटर में लाएँ, और उसके बाद आ रही आपकी जब भी भाग रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपकी आ रही अगर ऊपर यहाँ कुसुम में चल रही है, ऊपर कुसुम में चल रही है, नीचे भाग जा रही है, इस साइड में भाग रही है, ऊपर यहाँ कुसुम में चल रही है, एक ये वाली आ रही नीचे को इधर भाग जा रही है, तो आपकी जो है इधर वाली बेल बेल को जो दांते को थोड़ा टेढ़ा करके रखें, इधर को थोड़ा जो दांता है वो थोड़ा ऐसे रंधे सीधा कर दें इधर को, तो हमें इस साइड की जो बेल है ज़्यादा रखनी होती है। और अगर आपकी आ रही यहाँ सही चल रही है और इस साइड को भाग रही है, इस साइड को भाग रही है, तो हमें ये दा ये वाली बेल कम करना है, ये वाली बढ़ा देना है। तो यहाँ पे ये बेल बेल से हो जाता है जो आपकी जो आरी के अंदर बेल चलती है। अगर बेल ज़्यादा चलेगी तो आपकी जो चूल बहुत ज़्यादा गलत चलेगी, और अगर बेल कम होगी तो आरी जो है आपके चूल के अंदर फंसती है, टूटने का खतरा ज़्यादा रह जाता ज़्यादा होता है। और इसके बाद है दोस्तों हमारा, हम जब आरे के धार लगाएं तो दांते बिल्कुल एकसार होने चाहिए हमारे आरे के दांते, और दांते जो हैं ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। मैं आपके आप अपने आरे दिखा दूं, ये देख सकते हैं मेरी आरे के दांते बिल्कुल एकसार हैं, कोई ऐसा होगा जो छोटा होगा, लेकिन मेरे जो दांते हैं इस टाइम आरे के बिल्कुल साफ़ सुथरे दांते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दांते हैं। हमें जो आरे के दांते ज़्यादा बड़े नहीं रखना होते हैं, छोटे रखने होते हैं। और मेरा जो ठिया है धार लगाने वाला, मैंने इससे पहले आपको मैंने दिखाया था ये मोटर का मैंने बना रखा ठिया, मैंने कैसे बनवाया, इससे जो पहले वाली वीडियो बनाई थी मैंने उसमें बिल्कुल विस्तार से बताया मैंने कि हमने कैसे ठिया में ठिया बनाया है, कितना पड़ा है और कैसे धार लगाएं। अभी भी मैं कुछ दांतों पर धार लगा के दिखाता हूँ आपको मैं कैसे लगाता हूँ। तो दोस्तों आरे उतार लेते हैं, पहले हम यहाँ पे सिर्फ चूल्हे चीरते हैं, चूल्हों के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। हमारे 4 इंची के बाद 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची तक ये चूल्हे आराम से चीरती है, और 10 इंची भी चीर देगी, लेकिन हमने चीरे नहीं है, 9 इंची तक चीर दिए हमने इससे चूल्हे। आपकी जो आ रही है बिल्कुल साइड होनी चाहिए बहुत शानदार तरीके से इससे, और आपको जो आ रही रखना ज़्यादा टाइट नहीं हो और ज़्यादा क्या नाम है ढीली भी ना हो, टाइट ही सही रहती है, ज़्यादा ढीली ना रहे। आरे उतार ली मैंने, उसके बाद हम धार लगाते हैं यहाँ से, ये धार लगाने का ठिया मेरा। तो दोस्तों कुछ भाई मुझसे पूछे थे एक आरे में कितने जोड़ चल सकते हैं,
आपके आगे आ रही है जोड़ से मिला हुआ, तो आपके तीन जोड़ भी चल सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी दो दो जोड़ लगा के आरी चलाई है। देखे एक देख सकते हैं, एक तो एक यहाँ पे जोड़ लगा हुआ है इस आरी में, और यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस बार ने आरी में दो जोड़ लगा रखे हैं और आरी बहुत शानदार चलती है। आपको मैं एक चूल चिर के दिखाऊंगा। तो अभी मैं धार लगाता हूँ। दोस्तों मैंने आरी खींच दी इसके अंदर, और खींचने के बाद हम मशीन चलाते हैं और आपको एक चूर जो है आपको चीर के दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं इसके अंदर कुछ लगा हुआ, इस सेट से भी कुछ लगा रखा और हमने इस सेट से भी कुछ लगा रखा। तो आपको दिखाने वाला हूँ ये आरी कैसे लगी। शुरू करते हैं। ये बटन आ गया, मशीन चालू हो गई है। एक हाथ से चूर दूंगा, एक हाथ से। दोस्तों पहले आ रही मशीन बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको मैं दिखाऊँ, मैं जो चूल चीर रही है इस टाइम, ये देख सकते हैं कुसू लगा हुआ है, कुसू में आई है और इस साइड से भी। ये देख सकते हैं ये चूल बहुत ही शानदार है, ना बेल ज़्यादा है ना बेल कम है। तो दोस्तों मैंने आपको ये साथ से आरी सेट करना बताया, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।